राम राम भाई सारे ने। राम राम भाई सारे भाइया ने। तो भाई आज है लेग्स का वर्कआउट और पूरे रूटीन तो समझावांगे भाइया ने। लेग्स में भी फ्रंट का नंबर आज क्वेट्स का, तो जो जो वर्कआउट है मेनली मैं कराया करूँ जो मैंने सीखे हैं और उसका तरीका सिखाने की कोशिश करूँगा अपने भाइया ने। तो आप जैसे पजल रहते हैं भाई लेग्स में क्या करें क्या करें, तो जो मैंने देख के प्रैक्टिस करेंगे वे भाई इस तरह कर लियो। फ्रंट क्वेट की आज हो जाएगी फ्रंट की, और नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी दो तीन दिन पीछे नंबर आएगा उसमें एम्स की कर देंगे हम, हैमस्ट्रिंग की वो देख लियो। तो हफ्ते में दो बार रहेगी लेग्स, एक बार फ्रंट एक बार हैमस्ट्रिंग, रूटीन समझ लियो आप वर्कआउट देख के। तो भाई फर्स्ट वर्कआउट एक्सटेंशन मशीन से स्टार्ट करें, लाइट वेट से सबसे पहले अच्छा वार्म अप होगा अपना, उसके बाद फ्रंट इससे करेंगे पहली बार। ये भाई लेग्स की पहली एक्सरसाइज है, इसके 5 सेट लगाए हैं, 5 15 15 रेपिटेशन होल्ड कर करके मैं देखो भाई ये पंजा देखो। तो भाई पीछा थोड़ा पीछा और पीछो, हाँ। तो सेकंड वर्कआउट कराएंगे आज क्वैड्स के लिए आप स्क्वैट बिल्कुल इसमें होल्ड कर का आना नहीं, चल आराम से टच कर बस एकदम मत बैठ, टच कर मसल पर पूरा कंट्रोल करके भैया। अभी बहुत बढ़िया वर्कआउट है, बहुत अच्छा असर करेगी क्वैट पे। सेकंड नंबर पर हम करेंगे आप स्क्वैट, हाँ आराम से टच कर बहुत बढ़िया। तो भाई जब भी आपने लागे एलिवेट है तो अपनी सेफ्टी फर्स्ट, क्योंकि सालों साल करनी है का हमेशा के लिए वर्कआउट करते रहोगे तो सेफ्टी के साथ चलेंगे। पट्टी बांध लो जब भी आपने लागे एलिवेट अपना बोल, और बेल्ट अपनी सेफ्टी सबसे मेन है, सेफ्टी और फोकस पूरा ध्यान लगा के वर्कआउट करना हमने। तो जो सेकेंड वर्कआउट है थोड़ी सी मूवमेंट देख लियो और समझ लियो भाई, और जितने भी वर्कआउट आपको दिखाऊंगा उसके 4 से 5 सेट 15 रेपिटेशन 12 भी हो सकते हैं, मैं 12 से नीचे नहीं 12 से 15 रेपिटेशन हर सेट में लगाने हैं। और वर्कआउट आप देख लियो कितने करने हैं, 4-5 वर्कआउट करेंगे मेरे में जो क्वेड के लिए बेस्ट होंगे। तो भाई तीसरे नंबर वर्कआउट कराएंगे हम क्वैट्स के लिए लंजीज, और लंजीज पहला सेट चाहो तो आप बिना वेट के लगा सकते हैं, फिर उसके बाद या तो हाथ में डंबल पकड़ के जिस तरीके से मैं करता हूँ उस तरीके से कर लियो, या फिर कंधे पे वेट रख कर वेटेड मारना वेटेड लंजीज, और बिल्कुल आराम आराम से फोकस करके पूरा पूरा इफेक्ट फील करना है हर रैप में। और ये मान ले कम से कम 25-30 कदम चलना हमने तो हमारा एक सेट कंप्लीट होगा, और इसके 3 से 4 सेट लगाएंगे बढ़िया तरह फोकस करके पूरा इफेक्ट फील करना। तो तरीका देख लो भाई, ऐसे लगानी स्क्वैट भाई पूरा ध्यान देगा ना। तो भाई कवैट का जो है वर्कआउट मैं बताऊंगा, और मैं कराया करूँ इसने लगभग हर बार जब भी मैं कवैट का वर्कआउट करूँ
तो इसका इफेक्ट आ रहा है, देखो इस हिस्से पर नीचे ऊपर ज़्यादा ना हो, इस हिस्से पर होगा मेनली हड या जो मसल पट्टा है हड़े सेपरेशन होगा इस पर इफेक्ट आ रहा है, और लोअर एब्स पे लिखेगा रिप्स। हाँ तो इस एरिया में बहुत बढ़िया इफेक्ट आया करें इस वर्कआउट का जो मैं करूँगा, देखियो फील करियो अपना जी सारे तुम विजिट को कर भी आऊँगा, पर जिम में लेकर लड़ना पड़ेगा, ये मंगाने पड़ेंगे ये जुगाड़ से, ये देखो ये जुगाड़ हो जाएगा ये बंद जाएगा पैर में ना, फिर यू भी है ये तू घने कॉस्टली को आ जाओगे तो नहीं पड़ेगी, जिम वाला नहीं लेगा वो तो खुद अरेंज कर लेगा, तो जिम वाला भेज देना कर ले बंदे मैं जहाँ तक हो भाई अपना पैर थोड़ा सीधा रखने की कोशिश करनी है, कदम पूरा फोल्ड नहीं करना और धीरे धीरे छोड़ना है भाई, पैर फील करते हुए मसल को तो भाई चौथा वर्कआउट आज के वर्कआउट में जो क्वेट्स का चल रहा है उसमें चौथा रहेगा लेग प्रेस, तो थोड़ा पैर की पोजीशन देख लियो किस तरह से जूते की पोजीशन के हिसाब से अंदाजा लगा लियो, इसमें हम नीचे रखेंगे अपने स्टेप्स, इसमें जो कदम नीचे की साइड जमाएंगे कि ज़्यादा इफेक्ट हमारे क्वाड पर है और हैमस्ट्रिंग की साइड कम इफेक्ट जाओ, तो देख लो भाई, और वेट रखेंगे अंडर कंट्रोल और इतना कम भी नहीं कि इफेक्ट ही नहीं आए मसल पर कोई फील ना हो, तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से सर देखते रहिए जिसने जितना बढ़िया लगा, क्लोज दिखा दे, क्लोज रखेंगे थोड़ा सा पंजा बाहर रहेगा भाई, रेपिटेशन भाई 15-16 सेट भाई 4-5-7 और खुले जहाँ तक ट्राई करियो हिप्स टच रहा सीट पर सिर पीस मसल पर फेंक लेना, भाई दोस्तों आज का लेग का वर्कआउट था अपना क्वेट्स का कराया था, तो सारे भाई चार वर्कआउट किए थे, चार वर्कआउट बहुत है अगर आप मन लगा के पाँच पाँच अच्छे सेट लगाओगे 15 रेपिटेशन के साथ है, तो क्वेट्स के लिए बहुत एनफ है ये, और रह गया फिर काप का थोड़ा बहुत कर लियो, और जिम में अलग तरह की मशीन होती है तो काप की 2-3 वर्कआउट वे कर लियो आप, बाद में थोड़े स्टेयर्स कर लियो अगर जिम में है तो, नहीं तो भाई एनफ है ये बहुत है, और रह गया फिर प्रोटीन के बाद मील ले लेंगे, उसके बाद फिर इलेक्ट्रोल या ग्लूकोज ज़रूर ले लियो भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं हम, पानी की कमी हो जाती है तो पानी की कमी मत होने दियो, गर्मी नहीं बढ़ने देनी है, हमने खाते पीते रहना है, और इलेक्ट्रोल एक या दो दिन का ज़रूर लेना है, नहीं तो ग्लूकोन डी कोई भी ग्लूकोज हम यूज़ कर सकते हैं। तो भाई कैसी लगी भैया ने वीडियो कमेंट करके बताइयो, सारे भाई बढ़िया प्रैक्टिस करो, नशे से दूर रहो और तगड़े हो जाओ मेरे भाई सारे।